देखिए कि उनका एक बैनर में एक फोटो लगाया है और इसमें देखिए किस तरीके से जो नए जो बी डी ओ साहब आए हैं उन पर जो है मनुवादी और जातिवादी होने का ये फोटो जो है दावा। निजी आस्था है तो अपने निजी घर में करें, ये उनका कार्यालय जो है उनका निजी नहीं है, ये सार्वजनिक कार्यालय है, ये पूरे प्रखंड का कार्यालय है, ये कार्यालय पूरे प्रखंड के जनता के विकास के लिए कार्यालय है। अगर निजी उनका कार्यक्रम है तो अपने घर में जाकर के ये कार्यक्रम और कर्मकांड कर। बीपीएससी पढ़ लिख कर जो व्यक्ति वीडियो बना हो और उसके अंदर उसके दिमाग में इस तरह का गोबर बैठे कि नहीं यहाँ शुद्धिकरण कर दें और अमन चैन और शांति के लिए गंगा जल का छिड़काव कर दें, गौमूत्र का छिड़काव कर दें तो अमन शांति हो जा, तो पूरा देश में ही सब सारा सिस्टम जो है बंद कर आते ही जो है इस तरह का कर्मकांड कर कर पहली वाली विचारधारा की तरफ आपने मोड़ दिया, जिस विचारधारा के अंतर्गत जो है इन तमाम एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का शोषण किया गया, दमन किया गया, बेविचार अत्याचार किया गया, वही सिस्टम आप लागू करना चाहते हैं इस प्रखंड कार्यालय में, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के इटाड़ी प्रखंड में है और इटाड़ी प्रखंड का ये कार्यालय है, थोड़ा दिखा दीजिए, हम चाहेंगे देखिए यही जो है इटाड़ी प्रखंड के कार्यालय है जहां पर जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं। और अभी चार दिन पहले ही जो यहां के बीडीओ साहब हैं जिनका नाम जो है प्रमोद कुमार है अभी यहां पर आए हैं और उन पर जो है चार दिन आए हुए और उन पर जातिवाद का जो है धब्बा लग गया। और धब्बा लगा कैसे तो देखिए बहुजन समाज जो पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो समर्थक हैं देखिए कि उनका एक बैनर में एक फ़ोटो लगाया है और इसमें देखिए किस तरीके से जो नए जो बी डी ओ साहब आए हैं उन पर जो है मनुवादी और जातिवादी होने का ये फोटो जो है दावा किया जा रहा है। बाकी विरोध का असली रीजन क्या है ये समर्थक ही बताएंगे, क्यों वजह का क्या रीजन है सर आप लोग समर्थक? देखिए कुछ दिन पहले यहाँ के बी डी ओ अमर कुमार जी थे जो एस सी शेड्यूल कास्ट समाज से आते थे और उनका यहाँ से स्थानांतरण हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो नए बी डी ओ साहब आए हैं प्रमोद कुमार जी, उनके द्वारा जब उनको ज्ञात हुआ जानकारी हुआ कि इस प्रखंड परिसर के इस कैंपस के प्रखंड मुख्यालय के जो बी डी ओ साहब थे पूर्व में वो शेड्यूल कास्ट से थे, एससी समाज से थे, ये अपना जातिवादी मानसिकता को दोहराते हुए और संविधान की और कानून की और इस प्रखंड कार्यालय की मर्यादा को लांघते हुए इन्होंने अपनी मनवादी मानसिकता का परिचय देते हुए यहाँ पर जो है पूरे कैंपस को गंगाजल से धुलवाया गया है और कर्मकांड करके शुद्धिकरण करवाया गया है और ये शुद्धिकरण बहुजन समाज के लिए और तमाम जो हमारे अमर कुमार बी डी ओ साहब है उनका तो अपमान है ही है लेकिन पूरे एसी समाज का अपमान करने का काम यहाँ के बी डी ओ प्रमोद कुमार और जेएसएस जो है हेमंत कुमार चौबे के द्वारा किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं यहां के स्थानीय डीएम साहब से कि माननीय डीएम साहब ऐसे जातिवादी मानसिकता के जैसे और वीडियो रहेंगे तो समाज और क्या कहते हैं ब्लॉक का डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा। आप तमाम मैं पदाधिकारियों से बड़े पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे जातिवादी मानसिकता मनुवादी मानसिकता रखने वाले पदाधिकारी को तत्काल बर्खास्त कीजिए, इसको दंडित कीजिए और यहां पर कुछ कोई अन्य जो किसी भी समाज के हो लेकिन संविधान में भरोसा रखते हो सर्व समाज के लेकर के चलते हैं वैसे वीडियो को बैठाने का काम करें। उनका कहना है कि हमारी ये निजी आस्था है। निजी आस्था है तो अपने निजी घर में करें, ये उनका कार्यालय जो है उनका निजी नहीं है, ये सार्वजनिक कार्यालय है, ये पूरे प्रखंड का कार्यालय है, ये कार्यालय पूरे प्रखंड के जनता के विकास के लिए कार्यालय है। अगर निजी उनका कार्यक्रम है तो अपने घर में जाकर के ये कार्यक्रम और कर्मकांड करवाएं। और जहाँ तक से पत्रकार महोदय आप कह रहे थे कि वीडियो साहब अमन और शांति के लिए करवाए हैं तो क्या मैं इस वीडियो से मैं पूछना चाहता हूँ और आप लोगों से यहाँ पर जो भी जनता है सबसे मैं आग्रह करके सवाल करना चाहता हूँ कि क्या देश की तमाम जो हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर दिया जाए और इनके जैसे जो गंगाजल से कह रहे हैं कि गंगाजल छिड़क देने से यहाँ के अमन चैन शांति हो जाएगा तो सारे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। चलिए क्या परिचय सर आपका? कमलेश कुमार राव, युवा कार्यकर्ता बीएसपी बिहार, जय भीम जय भारत। चलिए क्या कहेंगे सर यहाँ के जो ब्लॉक साहब वीडियो साहब हैं वो कह रहे हैं कि अमन शांति के लिए हम किए हैं सब। देखिए पहले तो हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप जो है अपने चैनल के माध्यम से ऐसे घृणित कार्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। देखिए जो बीपीएससी किए हैं
जो बीपीएससी पढ़ लिख कर जो व्यक्ति वीडियो बना हो और उसके अंदर उसके दिमाग में इस तरह का गोबर बैठे कि नहीं यहाँ शुद्धिकरण कर दें और अमन चैन और शांति के लिए गंगा जल का छिड़काव कर दें, गौमूत्र का छिड़काव कर दें तो अमन शांति हो जा, तो पूरा देश में ही सब सारा सिस्टम जो है बंद कर दिया जाए, पूरे देश का सारा सिस्टम कर दिया जाए, इन्हीं को बॉर्डर पर बैठा दिया जाए कि वहाँ जवान भी न मरे, ये गौमूत्र छीत्र कर और गंगा जल छील कर अरे छिड़क कर वो हमारे जवानों को भी रक्षा कर देंगे, फिर इनको क्या आवश्यकता है वीडियो बनकर आने की। पूजा पाठ करने से आप लोग क्या पाती है? देखिए पूजा पाठ करने से घृणा नहीं है, लेकिन गलत मानसिकता जो जातिवाद किस्म का मानसिकता है उससे घृणा है। अपने अंदर जो अपने जेहन में पढ़ लिख कर भी जातिवाद को पाल कर रखना ये पढ़े लिखे जो है अधिकारी के लिए अच्छा नहीं है। यदि ये मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि इनके प्रखंड में जितने भी पंचायतें आती हैं और जहाँ भी दर्द कसक और पीड़ा है उस दर्द कसक और पीड़ा को हरने का काम करें, देखिए आपका तो सम्मान इसी तरह बढ़ जाएगा। लेकिन आप आते ही जो है इस तरह का कर्मकांड कर कर पहली वाली विचारधारा की तरफ आपने मोड़ दिया, जिस विचारधारा के अंतर्गत जो है इन तमाम एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का शोषण किया गया, दमन किया गया, व्यभिचार अत्याचार किया गया, वही सिस्टम आप लागू करना चाहते हैं इस प्रखंड कार्यालय में, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ये जो है माफी नहीं मांगते हैं तो आइंदा 15 के बाद हम लोग इससे भी बड़ा जो है जन आंदोलन कर कर और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे, डीएम साहब के माध्यम से और एसडीओ साहब के माध्यम से। मेरा नाम लालजी राम, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज 23 जिला, पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी राजपुर विधानसभा। जनरली जो है जो कोई जब कोई वीडियो बनता है तो वो जो है बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके बढ़ता है, लेकिन इस तरह से मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? देखिए तो बहुत बहुत गलत ओछे मानसिकता है और ये अस्पृश्यता में संवैधानिक दंडनीय अपराध है। संविधान के अनुच्छेद 17 में एक दंडनीय अपराध है अस्प्रियता, छुआछूत, जातिवाद उजागर करके इस तरह कर्मकांड करना, ये एकदम अपराध है। उस दंड के अधिकारी इनको यहाँ से तुरंत बर्खास्त कर हम डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि ऐसे जातिवादी मानसिकता वीडियो को तुरंत यहाँ से बर्खास्त करके सामाजिक तौर पे जो इस तरह का भावना न रखे वैसे वीडियो को यहाँ पे नियुक्त करने का काम करे। मैं इस जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ, हमारे यहाँ से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जिनके विरोध में आप लोग खड़े हैं, इनसे बात हुई तो बोल रहे हैं कि अब लग रहा है कि हमने गलत किया है तो अगला बारिश हम नहीं करेंगे। नहीं अगला बारिश हम नहीं करेंगे, किसी को एक बार मार दीजिएगा फिर कोई हम नहीं मारेंगे, तो जो काम हो जाता है दोबारा लौट के नहीं ना आएगा, नहीं ना आएगा, इसलिए इनको बर्खास्त को मांग करते हैं। ये भी यहाँ से चले जाएंगे तो अच्छा होगा, दूसरा कोई आएगा तो काम होगा ना, तो काम तो रुका नहीं, प्रशासनिक काम है वो काम होता रहेगा। मैं इनसे डीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि इनको तुरंत कार्रवाई करके इनको बर्खास्त करके दूसरे वीडियो का स्थानांतरण करने का काम करें। मैं वीडियो डीएम साहब से मैं निवेदन करता हूँ, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बक्सर। विरोध क्यों कर रहे हैं सर यहाँ के ब्लॉक लेवल के? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि देखिए कुछ दिन 4 दिन पहले यहाँ इटाढ़ी प्रखंड के वीडियो नया आए हैं, उनका नाम है प्रमोद कुमार जी। सर इन्होंने मनुवाद के हिसाब से जैसे लोगों को पहले कर्मकांड किया जाता था, इसी तरह यहाँ भी बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड में जो वीडियो हैं वो आकर यहाँ हवन करवाने का काम किए हैं, शुद्धिकरण करवाने का काम किए हैं। मैं आप लोग आपको भी पता होगा कि पिछले इनसे 4 दिन पहले 10 दिन पहले यहाँ के वीडियो अमर कुमार जी थे, उसकी सोच रखते हुए इन्होंने ऐसा काम किया है, जातिवादी काम किया है। मगर मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी आपकी मनमानी नहीं चलेगा, आप 4 दिन के अंदर माफ़ी मांगिए, नहीं माफ़ी मांगिएगा तो हम लोग 15 तारीख के बाद 15 तारीख को इनके कार्यालय में जन आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या पर्चे? मेरा पर्चे बड़ाक्राम बीएसपी युवा नेता दुल्फा पंचायत। अभी हमारी मौजूदगी जो है बिहार के बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड के प्रागण में है, जहां पर देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, यहां के जो जो नए चुनकर आए हैं जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वीडियो साहब, उनका जो है उन पर जातिवाद होने का आरोप लगा है और ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो के से पहले जो वीडियो थे वे जो है अनुसूचित जाति के थे और ये जो थे वो स्वर्ण मानसिकता के आए हैं, और इसीलिए जो है जब वो उनका स्थानांतरण हो गया और उनके बदले ये आए तो पूरा
पूरा का पूरा जो कक्ष था वीडियो साहब का उसको जो है शुद्धिकरण करने का काम किया गया, और जिसके विरोध में देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आज सड़कों पर उतरे हैं। क्यों उतरे हैं आप लोग? जी हम इसलिए उतरे हैं कि यहाँ पर जो वीडियो आए हुए हैं अभी फिलहाल में जो ज्वाइनिंग किए हैं वो एक मानसिकता वाले हैं जो कि मनवादी मानसिकता वाले हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मनवादी मानसिकता वाले ये हैं कि जब आए उस समय हवन कराने का काम किया अपने चैम्बर में, तो ये जैसे कि अब इनको ये समझ लेना चाहिए कि पहले जो राजा की या महाराजाओं की चलती थी अब वो राजा महाराजाओं की नहीं चल रही है, अब संविधान पर चल रहा है। बाबा साहेब का संविधान जो लिखा हुआ है वो बाबा साहेब का संविधान पर देश पूरा भारत चल रहा है। लेकिन हमसे बात हुई तो कह रहे हैं निजी आस्था है हमारी, क्या पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं? अरे निजी आस्था है तो अपने घर में करें, अपने गांव पर करें, अपने गांव में करें और अपने जग लगाएं अपने गाँव में, तो अपने जग लगा कर अपने निजी अवस्था को पूरा करें। अब ये नहीं है कि जनता को पैसा से ले करके और यहाँ पर जनता आती है इटाड़ी प्रखंड में 14 पंचायत का ब्लॉक है और यहाँ पर आकर के वो अपना इति कर रहे हैं, ऐसी बात।